हाय, वेलकम बैक। आज के लेक्चर का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपने स्कूल में बेसिक मैथ्स पढ़ी होगी तो आपने कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूज़फुल रिज़ल्ट है। इस थ्योरम की ब्यूटी इसके सिंपल नेचर में है। तो अभी हम बात करते हैं, चलिए, थोड़ी मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स है, और इसकी दो बातें मुझे बहुत ही पसंद आती हैं। पहली ये है कि अगर आपको मैथ्स करनी है तो आपको फिजिक्स की तरह बड़ा लैब सेटअप नहीं चाहिए, कंप्यूटर साइंस की तरह आपको कंप्यूटर नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक पेन और पेपर चाहिए और आप पूरे दिन उस पर मैथमेटिकल थ्योरम बना सकते हैं। दूसरा जो बात मुझे पसंद आती है मैथ्स की, वो ये है कि इसका प्रिसाइस नेचर। अगर आप 1 + 2 करेंगे तो हमेशा 3 ही आएगा। इनफैक्ट किसी फार गैलेक्सी में भी अगर कोई 1 + 2 कर रहा होगा, उनके यहाँ जो भी 1 होता होगा 2 होता होगा, तो वो देखेंगे कि आंसर 3 ही आ रहा है। और ये भी बात बहुत अच्छी है मैथ्स की कि आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना पड़ता। आप एक बहुत छोटे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अज्यूम करते हो और उस पर आप सारी थ्योरी रीज़न कर सकते हो। इनफैक्ट हम मैथ्स में जो भी थ्योरम्स लिखते हैं वो हम रीज़न करते हैं, और यही आज का गोल है कि हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ें और सिर्फ उसे रट ना लें, उसे हम रीज़न करें। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा कि a² + b² c² होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बता दूंगा, हम निकालेंगे, डिराइव करेंगे कि a² + b² को c² ही होना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है उसके पास, और हम ये प्रूव करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। पाइथागोरस थ्योरम की हिस्ट्री बहुत बहुत पुरानी है। आज से कम 4-5 हज़ार साल पहले, जब इजिप्शियन फरोहाज जो कि पिरामिड बना रहे थे, आपने पिरामिड तो देखे ही होंगे, इजिप्शियन पिरामिड पिरामिड्स, तो ये बहुत ही पुराने पिरामिड्स हैं, करीब कम से कम 4-5 हज़ार साल पुराने। जो और आजकल के नेता जो हैं, वो जो है सड़क बनाते हैं तो वो जो है 5 हज़ार घंटे भी नहीं चलती। तो ये इतने इम्पोर्टेंट और इतने मार्वलस चीज़ें तब के फरवाज ने बनाई थी, और ये बेसिकली टूमस्टोन हुआ करते थे जहाँ पर ये फरवाज मरने के बाद उनकी यहाँ पर सॉर्ट ऑफ समाधि यहाँ पर होती थी। एंशियंट फरवाज मरने के बाद डेथ को लेकर बहुत फैसिनेटेड रहते थे। खैर, आई एम गेटिंग साइड ट्रैक। तो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे ये सजेस्ट होता है कि एंशियंट इजिप्शियंस को थोड़ा आइडिया था कि रेक्टेंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, और उसमें वो पाइथागोरस थ्योरम का उन्हें पता नहीं था कि ये थ्योरम क्या है। ऑब्वियसली तब तो पाइथागोरस पैदा भी नहीं हुए थे, तो उन्हें एक बेसिक आइडिया था कि हाँ, एक मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ना उन्होंने प्रूव किया था ना उन्हें जनरल अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद जो सबसे पहला आदमी जिसको कि ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ये रिजल्ट प्रूव किया, वो है पाइथागोरस, पाइथागोरस ऑफ सामोस। पाइथागोरस जो है पैदा हुए थे सामोस में। सामोस हम सर्च करते हैं, सामोस, तो सामोस एक ग्रीक आइलैंड है। ग्रीस कहाँ पर है? ग्रीस हम देखते हैं मैप में, फाइंडर प्रीव्यू। तो ये जो है वर्ल्ड का मैप है, ये रहा भारत, ये रहा अमेरिका और सैन फ्रांसिस्को, लेकिन यहाँ पर बीच में यूरोप के नीचे ये है ग्रीस, और ये है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर ये है इजिप्ट। कई सारे बड़े, ग्रीस में बहुत ही बड़ी सोसाइटी हुआ करती थी, और कई सारे स्मार्ट लोग जो है ग्रीस से आए हैं, जैसे कि एरिस्टोटल, और एलेक्जेंडर भी ग्रीस का था, और इजिप्ट में फरवाज वगैरह रहते थे। तो ग्रीस में और इजिप्ट में आना जाना आसान था क्योंकि मेडिटेरेनियन सी को बस नदी से क्रॉस करके जाना होता था, और यहाँ पर काफ़ी स्मार्ट लोग रहते थे और आइडियाज़ का काफ़ी आदान प्रदान होता था। तो यहीं पर एक आइलैंड पर पाइथागोरस का जन्म हुआ था 500 BC में, यानी कि आज से 2500 साल पहले, और पुराने लोग उसी को मानते हैं कि उन्होंने पहली बार प्रूव किया था, हालांकि उसका रिटन प्रूफ हमारे पास नहीं है। सबसे पहला आदमी जिसका कि रिटन प्रूफ हमारे पास है वो है यूक्लिड। यूक्लिड को हम कह सकते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री, जो कि पैदा हुआ था 300 BC में, यानी कि आज से 2300 साल पहले, और वो पैदा हुआ था ग्रीस में, और उसने एक बहुत ही मेजर बुक पब्लिश की थी, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की खास बात ये थी कि उन्होंने ज्योमेट्री की फाउंडेशन रखी थी। उन्होंने जो है, यूक्लिड ने एक बहुत ही छोटे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स से, कि लाइन की डेफिनेशन ये है, ट्राइंगल की डेफिनेशन ये है, वहाँ से बिल्ड करके उसने पूरी फाउंडेशन इस्टेब्लिश की थी कि चलिए
ये प्रूफ करूंगा, मैं ये प्रूफ करूंगा, और सारे प्रूफ दिए थे। और उन्हीं में से एक प्रूफ जो यूक्लिड ने दिया था आज से 2300 साल पहले अपनी किताब में, वो आज हम प्रूफ करेंगे। और 2300 साल पुराने उस मैथमेटिशियन से आज हम बात करेंगे उसके इस ब्यूटीफुल प्रूफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले थ्योरम क्या होती है, थ्योरम की बात करते हैं। तो चल इंटरेस्ट में चलते हैं। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। एक हमने लाइन बनाई, ये थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, मैं पहली बार कर रहा हूँ तो पेशेंस रखें। ये हमने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया साहब राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, राइट एंगल की डेफिनेशन सिर्फ इतनी होती है कि अगर आप एक सीधी लाइन लें तो, और अगर उसे मैं ऐसे वर्टिकली काट दूं, तो जो दोनों साइड पर एंगल बनेंगे जब वो बराबर हो तो वो 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी सबसे लंबी साइड ये वाली है। तो पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ ये कहती है कि अगर आप इसकी दो छोटी साइड्स यानी कि ये साइड और ये साइड का अगर आप स्क्वायर लें, तो वो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है जो कि सबसे लंबी साइड है, उसके स्क्वायर के बराबर होगी। इसको कहने का एक और तरीका ये भी है कि अगर मैं मान लो इसकी एक साइड पर यहाँ पर एक स्क्वायर बना देता हूँ, स्क्वायर, ठीक है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूँ, चलिए कलर भरते हैं थोड़े से, अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि ये जो नीला वाला बड़ा सा स्क्वायर है उसका एरिया, उसका एरिया इस छोटे, इस कलर चॉइस बुरी है, कलर चॉइस ये भी बुरी है, रेड कलर यहाँ पर भर दो, और जो है एक कलर ले लो, कलर ग्रीन ले लो। तो ये जो, अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि ये जो ब्लू वाला बड़ा स्क्वायर है इसका एरिया अगर रेड वाले एरिया और प्लस ग्रीन वाले एरिया के बराबर होगा, तो ऑब्वियसली मैंने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दी, क्योंकि वो यही कह रही है कि सी स्क्वायर बराबर है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। तो अगर हम किसी तरह ये प्रूव कर दें तो हो जाएगा इस्टेब्लिश। इतना समझ आ गया, चलो तो ये हम इस्टेब्लिश करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। 2300 साल पुराना ये प्रूफ हम इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ से आप ऐसा करो, एक सीधी लाइन बनाओ, अब मैं अपने टास्क को दो छोटे भागों में तोड़ूंगा। मैं ये कहूंगा कि मैं जो है ये ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ये सॉरी ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है मैं कहूंगा कि इसका एरिया और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया बराबर है, और ये वाला जो बड़ा स्क्वायर है और ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया बराबर है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये छोटा रेक्टेंगल और ये स्क्वायर का एरिया बराबर है और ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर का एरिया बराबर है, तो मैंने प्रूव कर दिया, क्योंकि नीला प्लस लाल बराबर नीला प्लस लाल यानी कि स्क्वायर का एरिया के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरा टास्क बस यही होगा थ्रू आउट इस लेक्चर में कि ये जो रेक्टेंगल है और ये जो स्क्वायर है इनका एरिया बराबर है, इतना ठीक है। और क्योंकि अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो सिमिलरली हम ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों बराबर हैं, और प्रूफ ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमें बस ये प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल का एरिया बराबर है। ये प्रूव करना कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, उसके लिए बस दो लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग फिगर हो गई, लेकिन जो है कलर भर देता हूँ मैं जिससे कि थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाए। तो एक दो तीन चार, एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल मेरे पास ये है और एक और ट्राइंगल मेरे पास है, अच्छा सा कलर कोई लो, एक और ट्राइंगल है मेरे पास ये। अगर मैं ये प्रूव करूं, सबसे पहले मैं ये प्रूव करूंगा कि ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं वो बराबर हैं, उनका एरिया बराबर है। अगर मैं किसी तरह ये प्रूव कर दूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, फिर मैं ये निकालने की कोशिश करूंगा कि ये दो ट्राइंगल इन स्क्वायर और इस रेक्टेंगल से जुड़े हुए हैं और इन दोनों के, तो सबसे पहले पहले हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है। इस ये देखने में कितने समान से लग रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि ये जो है फिगर इतनी अच्छी बन के आई है कि ये दोनों देखने में ही समान से लग रहे हैं, लेकिन खैर
मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं कह सकते कि जो है देखने में जो है इक्वल से लग रहे हैं, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे पहले ये जानो, ये देखो कि ये जो साइड है ये नीले वाले ट्रायंगल में, और ये वाली जो साइड है इस वाले रेड वाले ट्रायंगल में, वो बराबर है क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड बराबर होती है। इसी तरह इस वाले नीले वाले ट्रायंगल में ये जो साइड है और ये जो साइड है ये बराबर है, क्योंकि भाई ये भी एक स्क्वायर है। तो यानी कि ये लाल वाले ट्रायंगल में एक साइड और इस वाले ट्रायंगल की एक साइड और इस वाले नीले वाले ट्रायंगल की एक साइड और लाल वाले ट्रायंगल की एक साइड, ये बराबर है। यानी ये दोनों साइड आपस में शेयर कर रहे हैं, जो कि देखने से भी लग रहा है। और एक और खास बात क्या है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल लाल वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का, ये वाला एंगल बराबर है। आप प्रूव कर सकते हैं क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 था और ये भी एंगल 90 था, और ये एंगल अगर एक्स भी है तो ये पूरा 90 प्लस एक्स हो गया, और ये पर्पल वाला क्या हो गया, 90 प्लस एक्स। तो ये दोनों 90 प्लस एक्स हैं, यहाँ पर एक्स मतलब इस छोटा सा एंगल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल है। तो एक कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम होती है साइड एंगल साइड, यानी कि ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है और बीच का एंगल भी बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसका मतलब उनका एरिया भी बराबर होगा। ये मैंने अज्यूम कर लिया है, लेकिन हम चाहें तो ये भी प्रूव कर सकते हैं। खैर, तो हमने किसी तरह ये प्रूव कर दिया कि ये जो दो ट्राइंगल हैं उनका एरिया बराबर है ना। लेकिन इससे ऑलमोस्ट प्रॉब्लम अब हमारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि बस बस देखने की बात है अब। तो देखो, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या हो गया, साइड बी है अगर इसकी तो बी स्क्वायर होता है इसका एरिया, और ये लाल वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है, बी के बराबर है, और हाइट कितनी है इसकी, इसकी हाइट है, इससे परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा, बी के बराबर है ना। तो इसका मतलब इसका एरिया हो गया 0.5 इंटू बी इंटू बी, यानी कि इसका जो एरिया है वो 0.5 इंटू बी इंटू बी है। और इसी तरह ये जो नीला वाला ट्राइंगल है इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है, मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट डालता हूँ, इसका एरिया है 0.5 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू आई, इसका बेस कितना है, सी है, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है किसके बराबर, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, मान लो ये लेंथ एल है, एल के बराबर, यहाँ पर एल किसकी लंबाई है, एल एल लंबाई है यहाँ से नीली वाली लाइन से लेकर एंड तक, यहाँ तक। तो इसका एरिया 0.5 इंटू सी इंटू एल है। लेकिन जो रेक्टेंगल था, ये वाला रेक्टेंगल, उसका एरिया कितना था, सी इंटू एल, सी इंटू एल, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया, कौन सा रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है लाल वाला, इसका एरिया कितना है, सी इंटू एल, जो कि इसके डबल है, और ये जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना है, बी इंटू बी, यानी कि इस स्क्वायर का एरिया इस लाल वाले ट्राइंगल का डबल है, और इस रेक्टेंगल का एरिया इस ट्राइंगल का डबल है, और ये दोनों बराबर हैं तो उनके दुगने भी बराबर होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर का एरिया बराबर है। आपने प्रूव कर दिया, यहाँ हमने आज इस्टेब्लिश कर लिया। और उस मैथमेटिशियन जो उसने 2300 साल पहले अपनी किताब में लिखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हुआ था, दुनिया को पहला रिटन प्रूफ दिया था, वो आज आपने अपने कंप्यूटर पे इस्टेब्लिश कर लिया। आपको लग नहीं रहा हो भले ही, लेकिन ये बड़ी चीज़ है। तो आई थिंक हमारा टाइम अप होने वाला है, आज मैं यही इस्टेब्लिश करना चाहता था। लेक्चर नोट्स आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ी एक्सरसाइजेस भी हैं। ये इकलौता प्रूफ नहीं है, एंड एक्चुअली आई हैव टू एडमिट कि ये उतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैंने हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से ये कवर किया। पाइथागोरस थ्योरम के न्यूमरस प्रूफ्स अवेलेबल हैं, इनफैक्ट ये ऐसी थ्योरम है कि जिसके शायद सबसे ज़्यादा थ्योरम अवेलेबल हैं। उनमें से एक प्रूफ मैंने एक्सरसाइज के लिए भी छोड़ा है, जो जो कि आप सिमिलर ट्राइंगल्स यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं, और वो इससे कंपेरेटिवली आसान है।
आई थिंक दैट्स ऑलमोस्ट इट।